हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजब गजब भारत। तो गाइस, आज की हिस्टोरिकल जर्नी में मैं आपको लेकर के चल रही हूँ राधा रानी के गांव बरसाना। तो गाइस, आज एक बार हम लोग फिर से ब्रिज नगरी का विजिट करने वाले हैं, भ्रमण करने वाले हैं। और देख सकते हैं आप, हमारे साथ सर हैं। सर ही हमें लेके जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। मैं अकेले तो कैसे जाऊँ। और सर का नाम तो आप जानते ही होंगे, राजपूरन आचार्य जी, हमारे हस्बैंड जी हैं वैसे तो। तो बता दूं गाइस कि मैं अपने होम टाउन नीमराना से 7:15 निकली थी, और अभी आप देखेंगे तो मैं KMP रोड पे खड़ी हूँ। मैं अभी आपको बैक व्यू करके दिखाऊंगी। पीछे आप शायद आप देख भी पा रहे होंगे, ये टोल है KMP रोड पे। और लगभग मैं नीमराना से जो बरसाना है वो 176 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी तो मैं आधी दूरी भी कवर नहीं कर पाई हूँ। तो गाइस चलिए मिलते हैं अभी हम लोग बरसाने में। लेकिन हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बने रहें वीडियो के एंड तक, पूरा विजिट कराऊंगी आपको। चलिए गाइस मिलते हैं। तो गाइस, अब मैं दिल्ली आगरा रोड से कट ले चुकी हूँ और मैं अब चल रही हूँ बरसाने वाले रोड पर। और यहाँ से बरसाना लगभग मैं 2-4 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो कट से टोटल 19-20 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जहाँ मैं हूँ अभी इस वक्त, वहाँ से लगभग में 2-3 किलोमीटर रह गया है। और आज हमारे साथ में देखिए हमारे कुछ रिलेटिव्स भी आए हैं। देव हाय करो। तो देव भी जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने। देव की दादी माँ हैं और देव की मम्मी भी हैं, वो अभी सो गई हैं, उनको जगाएंगे चल के वहीं पर बरसाने में। और सर हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं देखिए। और मैं बैक व्यू करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र ही है। ये देखिए दोस्तों, आपको चारों तरफ खेत ही दिखाई दे रहे होंगे, देखिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं पहुँच जाऊँगी बरसाना। तो फाइनली गाइस, मैं बरसाना पहुँच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं, आपको एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा। तो मैं जैसे नज़दीक पहुंचती हूँ दरवाजे के, देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, जिस पर लिखा है श्री राधा रानी द्वार। तो बता दूँ गाइस कि मैं गाड़ी से आई हूँ, तो मैं इस दरवाज़े से होकर के नहीं जा सकती हूँ। और ये दरवाज़ा भी आपको श्री राधा रानी मंदिर पहुँचाएगा, लेकिन मैं दूसरे रास्ते से आपको लेकर के चलती हूँ, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ेगी, इसके बाद ही हम मंदिर तक पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। तो देखिए गाइज, ये पार्किंग है और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है। और गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम लोग चलेंगे मंदिर की तरफ। तो चलिए हमारे साथ। तो देखिए गाइज, मैं एक गली से होकर के चल रही हूँ और उसी गली से मंदिर हमें दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप, यही है राधा रानी का मंदिर। तो ये अभी बहुत दूर है, मुझे अभी और चलना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं अभी। तो ये देखिए सामने आपको ऊंचाई जैसी दिखाई दे रही होगी, ये एक पहाड़ है जिस पर राधा रानी का मंदिर बना हुआ है। हमें वहाँ तक पहुँचना है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए तीन रास्ते हैं, एक रास्ता जिस रास्ते से मैं अभी चल रही हूँ, और दो रास्ते और हैं जो सीढ़ियों से होकर के मतलब जाना पड़ता है। वहाँ पर कहते हैं कि 250 से 300 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़कर राधा रानी के मंदिर तक ले जाएंगी। और ये जो रास्ता है ये ढलान नुमा रास्ता है, इस पर गाड़ियाँ भी जाती हैं, बाइक भी जाती हैं। यदि आप बाइक से जाना चाहते हैं तो बाइक से जा सकते हैं, गाड़ी से जाना चाहें गाड़ी से जा सकते हैं। ये बात अब मुझे पता चली, मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी गाड़ी से आ जाती। चलो खैर कोई बात नहीं, पैदल ही चलते हैं। चलिए। तो गाइस, जिस वक्त मैं आई हूँ बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है, क्योंकि ये जून का महीना है और जून के महीने में तो आप समझ सकते हो कितनी भीषण गर्मी होती है। और ऐसे में चलना, अरे भाई पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने पसीने हो रही हूँ। फाइनली गाइज, मैं आ गई हूँ राधा रानी मंदिर पे, लेकिन यहाँ पे मेरा दम फूलने लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चढ़ाई है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी बैक व्यू करके कि मैं कितना ऊंचाई पे आ गई हूँ। और देखिए पीछे आपको ग्रीन बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिस पर लिखा है श्री राधा रानी मंदिर। तो आपको तो अभी नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी बैक व्यू करके दिखाऊँगी आपको। लेकिन हाँ, सच में ही यहाँ पे नीचे बोल रहे थे बाइक से चल जाओ, मुझे लगा थोड़ा ही चढ़ना होगा, मैं बहुत ज़्यादा चढ़ाई है राधा रानी मंदिर के लिए। तो चलिए गाइस, अभी मंदिर तो आया नहीं है, मैं बीच से ही आपको बता रही हूँ।
लेकिन मंदिर का बोर्ड आपको दिखाऊंगी, सामने लगा हुआ है। चलिए अब मिलते हैं मंदिर पे। ये देखिए गाइस, बरसाना श्री राधा रानी मंदिर, और मैं यहाँ आ गई हूँ। और चलिए, मंदिर के बंद होने का समय हो रहा है, मैं पहले पहुँचती हूँ मंदिर पे, आपको दर्शन कराऊंगी चल के। चलिए, तो ये देखिए गाइस, ये जो मैं आपको मार्केट दिखा रही हूँ, ये राधा कृष्ण के सामानों से सजा हुआ पूरा मार्केट है। और यहाँ पर आप फूल माला प्रसाद जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, और खाने पीने का भी छोटा मोटा सामान यहाँ पे मिल जाता है। यदि आप नाश्ता पानी करना चाहें तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, सारा सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। तो गाइस, मंदिर के बंद होने का समय हो रहा है, इसलिए मुझे तो जल्दी पड़ी हुई है, कैसे मैं जल्दी पहुँचूँ, नहीं तो दर्शन भी नहीं हो पाएंगे राधा रानी के। चलिए जल्दी। ये देखिए गाइस, मैं अभी जिस दरवाजे से चल रही हूँ, ये इसका मुख्य दरवाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से चलूँगी। ये निकास द्वार है, क्योंकि मंदिर के बंद होने का टाइम है, इसलिए मैं इसी दरवाजे से अंदर एंटर कर रही हूँ। तो चलिए दर्शन कराती हूँ, पहले मैं राधा रानी के, फिर मैं पूरा मंदिर विजिट कराऊँगी, और वो रास्ता भी दिखाऊँगी जो दूसरा रास्ता है वहाँ से, क्योंकि मैं चलूँगी, आपको वो रास्ता भी दिखाऊँगी। ये देखिए, मैं आ गई हूँ मंदिर में, देख सकते हैं आप, और ये सामने राधा कृष्ण की झांकी सजी हुई है, आप देख सकते हैं। और यही मेन मंदिर है श्री राधा रानी का। ये देखिए, तो देखिए गाइज, अगर इतनी जल्दी जल्दी नहीं आती तो शायद मैं आपको दर्शन भी नहीं करा पाती राधा रानी के। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने श्रद्धालु आए हुए हैं। और ये देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ श्री राधा रानी की झांकी को। सिर्फ इसी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से इस मंदिर पे आते हैं, देख सकते हैं आप। और गाइस, बता दूं आपको कि इस जगह की होली, यानी कि लठ मार होली बरसाने की, बहुत ज़्यादा फेमस है। और वो जगह भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी जहाँ पर लठ मार होली खेली जाती है। जब आप लठ मार होली देखने आएंगे तो यहाँ पर जगह भी नहीं होती है खड़े होने की, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, नाच गाना हो रहा है, ढोलक बज रही है, देख सकते हैं आप। एक बार फिर से दर्शन कराती हूँ मैं राधा रानी के। ये देखिए, भीड़ होने के कारण, अब देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप। पहले यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन अब आप मोबाइल अगर लेकर आए हैं तो मोबाइल से आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये देखिए, मना तो अभी भी है, लेकिन फिर भी लोग बना लेते हैं, जैसे मैं ही बना के लाई हूँ। तो देखिए गाइस, हमारे पीछे आप देख सकते हैं वो राधा रानी का दरबार सजा हुआ है, और मैं फाइनली मंदिर के अंदर ही हूँ। और मैं आपको बैक व्यू में दिखाती हूँ जहाँ पे लठ मार होली खेली जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आप देख सकते हैं आपको। तो ये देखिए गाइस, अब जो मैं आपको ये ग्राउंड जैसा दिखा रही हूँ, यहाँ पर खेली जाती है लठ मार होली। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसाने की लठ मार होली तो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर लठ मार होली जब होती है तो एक खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है, और लोग दूर दूर से ये सेलिब्रेशन देखने के लिए आते हैं। ये देखिए, और ये कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है, पूरा भव्य मंदिर बना है, प्राचीन मंदिर है ये राधा रानी का। और यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी,
यहाँ पर एक कुशल बिहारी मंदिर भी है, वो बनवाया था माधव सिंह जी ने, जो कि जयपुर के महाराजा थे माधव सिंह जी। वो और उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा भगवान कृष्ण और राधा में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने बरसाने में कुशल बिहारी का मंदिर बनवाया था, और वो भी मैं अभी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये व्यू देखिए बरसाने का, मैं ऊपर से ये व्यू दिखा रही हूँ मंदिर से, देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, देखिए। और ये देखिए, ये जो सामने अब मैं आपको बिल्डिंग दिखा रही हूँ, यही कुशल बिहारी जी का मंदिर है। तो चलिए गाइस, राधा रानी के दर्शन कराने के बाद मैं आपको उस रास्ते से भी इस मंदिर पे लेकर आती हूँ जो रास्ता सीढ़ियों का है। तो एक बार वीडियो आपको ऐसा लगेगा कि मैं दोबारा से बना रही हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों की खातिर मैं वो रास्ता भी आपको दिखाना चाहती हूँ कि यदि उस रास्ते से आएँगे तो कैसे आएँगे। तो ये देखिए गाइस, मैं मंदिर से नीचे आ गई हूँ सीढ़ियों वाले रास्ते से, लेकिन मैं अभी वापस चलूँगी आपको दिखाने के लिए। तो ये जिस जगह मैं खड़ी हूँ, ये कोई छोटा सा एक मार्केट है जहाँ पे श्री राधा रानी जन्म स्थान कीर्ति मंदिर लिखा हुआ है, और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, और आप अनाउंसमेंट सुन भी रहे होंगे, कोई बोल रहा है माइक में बार बार। ये देखिए श्री राधा रानी जी जन्म स्थान प्राचीन कीर्ति मंदिर, ये जगह है, और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी। मैं आपको लेकर के चल रही हूँ ऊपर की तरफ और मंदिर पर पहुँचाऊँगी आपको, चलिए। तो ये देखिए गाइज, मैं चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ आ चुकी हूँ उस दरवाजे पे जहाँ पर लिखा है श्री लालड़ी जी महाराज बरसाना। तो बता दूँ गाइज कि लालड़ी जी बरसाना में राधा रानी को कहा जाता है, और उन्हीं को प्यार से महाराज भी कहते हैं, यहाँ का राजा कहते हैं बरसाना का। तो देखिए गाइस, फाइनली मैं आ गई हूँ, आप देख सकते हैं हम सभी साथ में हैं अभी तो, और सामने आप देखेंगे तो वो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वहाँ से भी हमको चलना है अंदर मंदिर की तरफ। चलिए अंदर चलते हैं क्योंकि भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, चलिए हमारे साथ। फाइनली गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर, देख सकते हैं आप चबूतरे पे, और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और ये देखिए गाइस, ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये मंदिर के पीछे साइड को जा रही हैं, और ये देखिए ये मंदिर परिसर का चबूतरा है, ये वाइट छतरी बनी है देख सकते हैं आप, और यहीं साइड में एक जूता चप्पल रखने का रूम भी है, वहाँ आप अपने जूता चप्पल जमा करा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्श तप रहा है। और देखिए गाइस, अब मैं आपको उन सीढ़ियों पे लेके चलती हूँ जो आपको राधा रानी के मंदिर की तरफ लेके जाएंगी। ये देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और ये देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़, ये मंदिर के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप आकर आराम कर सकते हैं देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ उस जगह जहाँ लिखा है श्री लाडली जी महाराज द्वार, तो ये हमें लेके जाएगा राधा रानी मंदिर पे। चलिए गाइस चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैं ऊपर आ गई हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के, और देख सकते हैं आप ये सामने वाला जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता श्री लालड़ी जी मंदिर में खुलता है, और वहाँ तो अब हम क्या जाएंगे, मैं आपको पहले ही दर्शन करा चुकी हूँ, तो अब चलती हूँ वापस नीचे। चलिए चलिए
तो गाइस राधा रानी मंदिर का मैंने पूरा विजिट आपको करा दिया है दोनों रास्तों से। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड राधे राधे।